औरंगाबाद मध्ये ही मोठ्या प्रमाणात आहे देशामध्ये आता होत असलेली जाळपोळ त्याची भांडणं लागलेली आहेत आसामी विरुद्ध बंगालच्या भाषिकांची आसामी विरुद्ध बिहारी भाषिकांची हिंदू हिंदूमध्ये भांडणं मुस्लिमांवर तांत्रिक तलवार आहे या देशामध्ये आत्ता आम्हाला बेरोजगारीच्या प्रश्नावर सरकारने भांडावं असं वाटतं आता शेतकऱ्याच्या आत्महत्येवर भांडावं असं वाटतं आता जी अर्थव्यवस्था खाली जाते त्याच्यावर सरकारने काम करावं कोण कुठून आले हे बघण्याचा सरकारला अधिकार नाही आमचा जन्म इथे झाला राज्यघटनेनं आम्हाला प्रियांबलमध्येच नागरिकत्व दिलेलं आहे तर एनआरसी कायद्याचा आम्ही निषेध करतो एनआरसी कायदा लवकरात लवकर रद्द व्हावा अशी आमची शिष्टमंडळाची ही मागणी आहे निवेदन आहे एक मिनिट ये व्हाईट शर्ट सर हां एक मिनिट सर तुम्ही सर थोडा आगे सर क्या नाम दिला सर वालों का नाम दिला सर थोडा आगे देखो वाजी सर ओके ओके डन सर किस सिलसिले में मेमोरेंडम दिया? औरंगाबाद शहर के सभी हम नागरिक इस बात का निषेध करने के लिए यहाँ आए थे परसों लोकसभा राज्यसभा में जो एनआरसी और क्या बिल पास हो गया उसके विरोध में हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस देश में आसाम में हिंसा हो रही है, त्रिपुरा में हिंसा हो रही है, पूरे देश के मुस्लिमों को एक तरह से उनके सर पर तलवार रखी जा रही है कि आप इस देश के नागरिक हो या ना हो। हमारा ये कहना है कि जिस दिन संविधान हमने बनाया जिस दिन संविधान हमने मान लिया उस दिन से हम इस देश के नागरिक है ही है। ये कौन होते हैं सरकार? सरकार को हमने देश चलाने के लिए दिया है। कौन यहाँ का है, कौन नागरिक है, कौन नहीं, कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोह है, ये तय करने का सरकार को कोई भी अधिकार नहीं है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जिस दिन हमारा जन्म इस धरती पर हुआ उस दिन से हम इस धरती के नागरिक है। हमारा ये कहना है नरेंद्र मोदी साहब से, अमित शाह साहब से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि एनआरसी से इस देश में हिंसा हो रही, इस देश में डर का माहौल है, इस देश में हिंदू मुस्लिम झगड़ा लगाने का आपका मंसूबा हमें नज़र आता है, लेकिन हम इस देश के पूरे हिंदू, पूरे मुसलमान, पूरे बौद्ध, सिख, जैन, हम सब एक साथ खड़े होकर नरेंद्र मोदी सरकार के इस बिल का हम पुरजोर से विरोध करते हैं। हमारा उनसे, हमारी गुजारिश है उनसे कि जितना जल्द हो सके उतनी जल्द ये कायदा आप वापस ले लो, वरना पूरे मुस्लिम, पूरे हिंदू रस्ते पे आ जाएंगे, इस देश में उसका विरोध करेंगे, उसका जो जिम्मा होगा, उसका जो हालात होगा, उसके ऊपर फिर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। हम आज यहाँ निवेदन लेके आए थे, इस निवेदन के जरिए हमने ये मांग की है कि इस देश की इकोनॉमी गिर रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिल रही, महंगा शिक्षा महंगाई हो रही है, इसके ऊपर केंद्र सरकार ने ध्यान देना हमें सबसे जरूरी बात लगती है, ना कि कौन यहाँ का है कौन यहाँ का नहीं है। हम विवेकानंद जी पे विश्वास रखने वाले हैं, इस देश को ही हमने माना है। मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूँ, जिन जिन पार्टियों ने इस बिल के खिलाफ वोट किया उन पार्टियों के सांसदों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जिन पार्टी के मेंबरों ने इस बिल के बाजू में मतदान किया है उनको हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आप संविधान विरोधी हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी हो, आपने संविधान को सामने रख के शपथ ली है लेकिन आप संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम अगर ये कायदा वापस नहीं लिया तो पुरजोर से हम आंदोलन खड़ा करेंगे। आपका नाम? हनुमंत पवार। कहाँ तक जारी है ये जो बिल मंजूर हुआ राज्यसभा में, लोकसभा में और राज्यसभा में, हम इसका विरोध करते, हम इसको कंडम करते। जब तक ये बिल रद्द नहीं करती ये गवर्नमेंट, ये जातिवाद गवर्नमेंट, ये फिरका परस्त गवर्नमेंट, जब तक हम रद्द नहीं करती हम मुसलमान रोड पे संविधान के दायरे में लड़ाई जारी रखेंगे और ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मुसलमानों के खिलाफ कोई कानून बने। जब से ये गवर्नमेंट आई हुई है कुछ ना कुछ चल रहा है, या तो 370 या बाबरी मस्जिद, ट्रिपल तलाक,
है ना, मुसलमानों को उलझा के रखे हैं ये। और ये बात याद रखो, हम डरने वाले नहीं हैं, इंशाल्लाह हम इस चीज़ का मुकाबला करेंगे, हम बिल्कुल मुकाबला करेंगे। और अमित शाह और मोदी को हम ये वार्निंग देते, हम ये समझाते, हम ये गुजारिश करते कि इस मुल्क में फिरका वाराना हालात मत पैदा करो, इस मुल्क को तोड़ने का काम मत करो, क्योंकि यहाँ के मुसलमान हिंदू मिल के रहते। और ये मत समझो मुसलमानों की लड़ाई है, ये सारे मज़हब की लड़ाई है, सारे मज़हब के लोग मुसलमानों के साथ जुड़ रहे हैं। और इस मुल्क में जब तक ये बिल रद्द नहीं होता, हमारी संविधान के दायरे में ये लड़ाई हमारी जारी रहेंगी इंशाल्लाह। इलियास किरमानी, महाराष्ट्र आवामी कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ मैं। एक